Types of nationalism. In this session, we are going to discuss the types of nationalism, and these are normally divided into three categories and based on their definitions, like the nations and their membership. And these types are examined by specifically by Greenfield and Eastport. And their contribution is really remarkable so the first type of nationalism that is individualistic and civic type of nationalism this type of nationalism defines the nation in composite terms as an association of individuals that association of individual basically deals with the concept of nation and pe people as in we the people

तो मौजूद हैं हमारी शिनाख्त है लेकिन हम जब एज सिटीज़न अपना रोल प्ले करते हैं तो वो जो सिविक सेंस है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर क्रिएट होती है दैट इज़ द की लाइन सो द कोलेक्टिव एंड सिविक टाइप ऑफ नेशनलिज्म इन दिस केस अ यूनिटरी डेफिनेशन ऑफ द नेशन एज एन दैट वी होल आर

जिसके अंदर कि हम कलेक्टिव तो हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ एथनिक लॉयल्टीज़ भी हैं ये नॉर्मली तीसरी जो कैटेगरी है नेशनलिज्म की ये उसके अंडर फॉल करता है दैट अ यूनिटरी डेफिनेशन ऑफ द नेशन विद एथनिक व्हेन वी से और वी यूज द टर्म ऑफ एथनिक देन एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट बीइंग एट द लार्जर लेवल वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ आर स्टेट बट स्टिल अंडर दैट स्टेट देर आर वेरियस ग्रूप्स लाइक हम जानते हैं कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो अपनी पहचान अपनी ज़ुबान की वजह से भी बताते हैं किसी ख़ास इलाके की वजह से भी लोग अपनी पहचान रखते हैं और वो उस पर प्राउड फील करते हैं यानि एक कलेक्टिवनेस के होते हुए भी अपनी एथनिक आइडेंटिटी को के बारे में बात करना या उसको प्रमोट करना और ये आजकल जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है वो मौजूद हमें नज़र आती है सो वी कैन से दैट इन द मॉडर्न स्टेट्स वेयर सिटीजनस आर फर्स्टली दे आर सिटीजन ऑफ दैट कंसर्न स्टेट जहाँ उनके कुछ हकूक व फ़रज़ हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वहाँ उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो वो परफॉर्म करते हैं अंडर द लॉ ऑफ द स्टेट लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न स्टेट सिस्टम के अंदर भी जो अपनी ग्रुप के साथ फीलिंग है या अपनी शनाख्त के लिए कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं वहाँ फिर वो स्टेट सिस्टम के लिए समटाइम्स चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं लेकिन बाज़ात ये ग्रुप्स जो हैं वो अपने आप की पहचान तो रखते हैं बट अंदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट यानी अगर कहीं उन्हें यह महसूस होता है कि उनके कुछ हकूक़ हैं जो शायद स्टेट प्रॉपरली नहीं दे पा रही है लेकिन वो उन हकूक़ के लिए जो स्ट्रगल करना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी और एंटिटी के लिए वो इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होती है यानी स्टेट की इंटेग्रिटी या स्टेट की यूनिटी को उससे कोई थ्रेटन नहीं होता वो उसको थ्रेटन नहीं करना चाहते स्टेट यूनिटी को प्रॉब्लम नहीं करते लेकिन अपने ग्रुप के लिए अपने लोगों के लिए जो उस ख़ास नेशनलिज्म की फीलिंग के बिलीवर हैं दे ट्राई टू हैव राइट्स दे ट्राई टू हैव सम प्लेस इन सिस्टम और ये नॉर्मली कहाँ पर होता है जहाँ लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर सियासी निज़ाम उनके कुछ हकूक जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर रहा या सियासी निज़ाम के अंदर इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेसर हैं यानी अगर कोई ख़ास ग्रुप इकनॉमिकली अपने आप को फील करे कि वो उसके उसके लोगों की जो हिस्सा है निज़ाम में माशी तौर पर वो नहीं है तो वहाँ पर फिर ऐसे ग्रुप जो हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं कई दफ़ा हमने देखा कि आजकल के दौर में भी इक्कीसवीं सदी में भी कुछ ग्रुप्स की तरफ से हुकूमत को जो है वो धमकी दी जाती है या समाइम्स जो है वो प्रोटेस्ट हमें नज़र आता है कि दुनिया के मुख्तलि कोनों में है लिबरल डेमोक्रेसीज के अंदर भी है और हमें पाकिस्तान के केस में भी ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस होती हुई नज़र आती हैं कि इन द नेम ऑफ नेशनलिज़म और इन द नेम ऑफ अस्पेसफिक ग्रुप

वो स्टेट की इंटेग्रिटी को कभी भी उससे थ्रेट नहीं होना चाहिए इन सच केसेस देन स्टेट ट्राई टू यूज़ और एक्सरसाइज द पावर ऑफ अथॉरिटी टू स्नब सच टाइप ऑफ वॉइस इंटरनेशनली भी और नेशनल लेवल पर भी नेशनलिज्म की फीलिंग एक पॉजिटिव एक वॉइस होती है जब तक ग्रुप जो हैं वो स्टेट की इंटैग्रिटी के लिए कोई थ्रेड क्रिएट ना करें लेकिन अगर ऐसी सूरत हो और ग्रुप जो है वो वायलेंस पर आ जाए या प्रोटेस्ट पर आ जाए तो फिर उस सूरत में स्टेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो लोगों को और सूरत हाल को टैकल करने के लिए अपनी वेरियस स्ट्रेटजीज जो है वो उनको एक्सरसाइज भी करती है और उन स्ट्रेटजीज को ऑपरेट भी करती है ताकि वो एंटी स्टेट फीलिंग्स को किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके